नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। मंडार में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 10-12 दिन से गर्मी और बड़ी उमस थी, फसल भी खराब होने की कगार पर थी। किसान सोच रहा था कि मेरी फसल खराब हो रही है, मूंगफली की फसल खराब हो रही है। आज सवेरे करीब 7:45 बजे 8:45 या 8:50 के आसपास में बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे बूंदाबांदी हुई और अभी 8 बजे के आसपास 8:05 पर बारिश तेज हो गई है। आप देखिए, पूछे महादेव जी की पहाड़ी दिख रही है आपको, हम दिखा रहे हैं, और सिर्फ धुंधला सा पूरा पहाड़ नजर आ रहा है। ऊपर वाले को सब पता है किस तरह से क्या करना है। सावन महीने में भी पूरा सावन बारिश आई और अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। और आप देखिए, एक तरह से इंद्रदेव पूरी जो जमीन है, खेत खलियान, खेत जंगल, पहाड़, नदी नाले, गांव, सभी को स्वच्छ कर रहे हैं और इसी के तहत ये बारिश शुरू हुई है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, किसानों को बड़ा लाभ होगा। इसलिए हम कई बार सरकारों को भी दोष देते हैं कि सरकार ये कर रही, सरकार वो कर रही है। जो भी कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, वो सारा उसी के अधीन है। इसलिए जो होता है उसमें सहयोगी बन के उसका लाभ लें और प्रकृति के जो गुण हैं उसमें हम विघ्न पैदा नहीं करें। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, आप देखिए धीरे धीरे बारिश तेज होती जा रही है, फिर हवाएं तेज चल रही हैं साथ में, और पूरे बादल एकमेव हो चुके हैं। पूरे आकाश में बादल एकमेव हो चुका है। आप देखिए, हवाएं बड़ी तेज हैं। बारिश तेजी से आ रही है और इससे ये लगता है कि आज जमकर बरसेंगे बरखा बाद, और आगे हम आपको फिर पूरी स्थिति बताएंगे कि किस तरह से रहा बारिश का अपना रुख, तेजी रही, बंद हो जाता है या बढ़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल एक बूंद नहीं गिर रही थी, खास करके जालौर सिरोही में, आसपास के जिलों में बड़ी बारिश हुई। पाली, बाड़मेर, आसपास के जो निकटवर्ती जिले हैं, लेकिन 3 जिले बड़े सूखे थे, सांचौर, जालौर और सिरोही। लगता है इंद्र महाराज उन सबकी सुन रहे हैं, और अगर इसी तरह से 1-2 दिन 3 दिन चली बारिश तो ये भरपाई पूरी हो जाएगी। वैसे 2 दिन पहले थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, जिससे लोगों में राहत उम्मीद हुई थी। हमने आपको एक वीडियो बताया था रक्षाबंधन के दिन का, जहां पर भोपाल जी ने कहा था कि बारिश जरूर आएगी। उस दिन गर्मी बड़ी तेज थी, उमस थी, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर भोपाल जी कह रहे तो जरूर आएगी, और आज बारिश आ चुकी है। बने रहिए हमारे साथ में है, ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।